हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से कैसे डेविएशन होती है वो हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बॉयल्स लॉ के थ्रू कैसे डेविएशन शो होती है वो पढ़ेंगे। तो बॉयल्स लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम प्लॉट बनाते हैं, प्लॉट किस किस के बीच में करते हैं, प्लॉट करते हैं हम पी वी वर्सेस पी के बीच में। जैसे कि आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अगर हम प्लॉट करते हैं पी वी वर्सेस पी के बीच में, तो ये जो ग्राफ है ये कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैरेलल किसके हैं, एक्स एक्सिस के होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, आइडियल बिहेवियर शो करेगी, मतलब गैस कैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस। बट रियलिटी में क्या देखा गया कि जो ये रियल कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं है। ठीक है, तो रियल गैसेस में ऐसा देखा गया कि कोई भी इस वाले ये जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको फॉलो नहीं करती है, इस बिहेवियर को शो ही नहीं करती है। ठीक है, तो बाद में जब ग्राफ बनाए गए तो उसमें ऑब्जर्व किया गया, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का केस देखें, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या करा गया, देखा गया कि जैसे जैसे ग्राफ बनाया गया, पहले तो प्रेशर क्या था, प्रेशर बहुत कम था, लो प्रेशर था। तो लो प्रेशर पे तो ये आइडियल बिहेव कर रही थी ये गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का केस देखें तो ये पहले आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी, बाद में जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो ये जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो पी वी भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये बना हाइड्रोजन का केस, वैसे ही ये बना हीलियम का केस। अगर हाइड्रोजन का केस देखते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी पहले लो प्रेशर पे ये आइडियल बिहेवियर शो करता है, पर जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये पी वी ग्राफ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको पता लगा होगा। वैसे ही और भी केसेस हैं, जैसे अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की बात करते हैं, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो पी वी इंक्रीज़ होगा कंटिन्यूसली, किस के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के केस में। ठीक है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की बात करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये बना ग्राफ कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो पी वी पहले तो डिक्रीज होता है और फिर क्या आ जाता है, ग्राफ मिनिमम आ जाता है, और बाद में प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो पी वी ग्राफ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और दूसरा केस जैसे मीथेन का है, तो मीथेन के केस में प्लॉट ऐसे बनता है कुछ। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर जैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है, तो पी वी पहले तो डिक्रीज़ होगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर उसके बाद पी वी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहेगा जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको ये। ठीक है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे पी वी कंटिन्यूसली फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक प्लॉट जैसे ये बनाते हैं, प्रेशर
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। तो जैसे कि प्लॉट तो ऐसा बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए प्लॉट, बट एक्चुअली ये आइडियल गैस का प्लॉट है। बट जब ग्राफ बनाया गया तो ये ऐसे आइडियली बिहेवियर नहीं होता है ग्राफ का। ऐसे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, और ये क्या है, रियल गैस के लिए ग्राफ बन रहा है। एक्चुअली ग्राफ बनता है ऐसे, ऐसे नहीं बनता है ग्राफ, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, मतलब अगर आइडियल गैस बनता तो ये इसके ऊपर कंसाइड हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में गैसेस क्या करती हैं, रियली रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। आप कोई भी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करता, मुझे भी इनकरेज नहीं आता कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।